हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही फेमस महाराष्ट्रियन कांदा पोहा की रेसिपी। ये बहुत ही क्विक एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए हम एक बोल लेंगे और इसमें डालेंगे पोहा। ये मैं मीडियम साइज का पोहा ले रही हूँ, बहुत बारीक पोहा नमकीन में यूज किया जाता है। तो ये 2 कप मैंने पोहा ले लिया, वजन से ये 140 ग्राम है, 140 ग्राम ये पोहा है। अब हम इसे पानी से वॉश करेंगे। ये नॉर्मल वाटर है, बहुत गर्म या बहुत ठंडा नहीं लिया है मैंने, नॉर्मल वाटर है। इसे हम बस एक बार वॉश कर लेंगे। ये देखिए, इसे हमने सिर्फ वॉश करना है, सोप नहीं करना है। तो इसका एक्स्ट्रा पानी अब हम एक स्ट्रेनर में निकाल देंगे। तो एक बड़े बोल में एक स्ट्रेनर लगाएंगे और इसमें पोहे का पानी निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से स्ट्रेन कर लिया हमने पोहे को। अगर आपके पास स्ट्रेनर नहीं है तो आप इसका पानी निकाल कर इसे एक प्लेट में फैला दें। इसे थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे इस तरह से, इसे मैश नहीं करना है हमने। इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से नमक डाल देंगे और आधे नींबू का रस डालेंगे। तो इसे स्क्वीज कर देते हैं इस तरह से और इसे हम फोक से इस तरह से मिक्स कर देंगे। हाथों से ये मैश हो जाएगा, इस तरह से ये बहुत खिला खिला बनता है। ये देखिए, मैंने इस तरह से नमक और नींबू के रस को मिक्स कर दिया। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे। इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज करते हैं वो ले सकते हैं। ये 2 बड़े चम्मच मैंने डाल दिए। तेल को गर्म होने देंगे, इसमें 2 पिंच हींग डालेंगे। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने डालेंगे, मस्टर्ड सीड्स, आधा छोटा चम्मच ही साबुत जीरा डालेंगे, 4 से 5 करी पत्ता डालेंगे। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च लंबी कटी हुई डाल देंगे, इस तरह से स्लिट्स में कटी हुई। ये 1 बड़ा प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसे 1 से 2 मिनट तक ही सॉटे करेंगे। हमने प्याज को ब्राउन नहीं करना है, इसका क्रंचीनेस रहना चाहिए, इसलिए हम प्याज को ज्यादा नहीं पकाएंगे। अभी मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है और इसमें हम आधा कप मूंगफली के दाने डालेंगे, पीनट्स। ये फ्राइड पीनट्स हैं, आप इसमें रोस्ट करके या फ्राई करके कैसे भी डाल सकते हैं। ये देखिए, इसे भी मैंने आधा मिनट मिक्स करके इसमें आधा छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है और आधा छोटा चम्मच ही नमक डाल देंगे। नमक हमने पहले भी डाला था। 1/4 टीस्पून हम इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। ये देखिए, सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और प्याज को भी हमने ज्यादा नहीं पकाया है। अब हम इसमें पोहा डाल देंगे। ये देखिए, ये जो पोहा हमने अच्छे से वॉश करके रखा था, ये कितने बढ़िया से खिल चुका है। हमें बिल्कुल मॉइस्ट पोहा चाहिए, मैश्ड पोहा नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम इसे लिफ्ट करके ड्रॉप करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे मैश नहीं करना है। ये देखिए, 1 मिनट मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें आधा नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस हमने पहले भी डाला था, ये थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर में बहुत बढ़िया लगता है पोहा। अब ये पोहा बिल्कुल रेडी है, तो गैस की फ्लेम ऑफ करके हम इसे 2 मिनट तक ढक कर स्टीम देंगे ताकि ये बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए, उसमें सारे फ्लेवर्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं, पोहा बिल्कुल रेडी है। तो इसे हरे धनिए से गार्निश कर देते हैं। आप इसमें और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे पीज, आलू बॉयल किए हुए या कच्चे टोमेटोज, बट मैंने इसे सिर्फ आज सिंपल वे से बनाया है और ये बहुत ही टेस्टी होता है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। और भी ऐसी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के लाल बटन को क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।